हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, जो कि मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स होते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जैसे कि हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हम किसी भी नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका आंसर आएगा वो होता है मल्टीपल। जैसे हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आंसर आया 2, तो 2 जो होगा ये मल्टीपल हो गया। अब इसके और देखते हैं, 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4। जो 4 हो गया ये मल्टीपल्स हो गया। 6 को अगर हम ऐसे ही कंटिन्यू सीरीज में करें, जैसे 6 को हम मल्टीप्लाई करें 5 से तो आएगा 30। जो 30 हो गया ये हो गया मल्टीपल। इसी तरह हम किसी भी नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर प्रोडक्ट निकालते हैं, तो उसे कहते हैं मल्टीपल। अब आगे देखते हैं फैक्टर्स। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर होते हैं जैसे भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो जिसमें हमारा रिमाइंडर 0 बचे, हमारा अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो वो उस नंबर का फैक्टर होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 9 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 9 9, रिमाइंडर हमारा बचा 0। इसी प्रकार अगर हम 9 को 3 से डिवाइड करें, 3 9 3 3 9, रिमाइंडर हमारा क्या बचा 0, तो 9 का फैक्टर 3 भी हो गया। इस तरीके से कोई भी नंबर हम जब डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर जब 0 बचेगा तो वह नंबर जो होगा उस नंबर का फैक्टर होगा। एग्जांपल और देखिए, जैसे हम 18 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 9 18, रिमाइंडर हमारा क्या बचा 0। तो जो 18 है, 18 का फैक्टर क्या हो गया 2, तो 2 18 का फैक्टर हो गया। ऐसे ही हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18, तो जो 3 नंबर होगा वो भी 18 का फैक्टर होगा। इस प्रकार से फैक्टर निकाले जाते हैं। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ मल्टीपल और फैक्टर्स के रिगार्डिंग। देखिए, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा सेम। किसी भी आपको 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या होगा 7, ये हो गया फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2 की बात करें, हम किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0, ठीक। इसी प्रकार हम फैक्ट नंबर 3 को देखें तो अगर हम मल्टीपल जो होते हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, मतलब कंटिन्यूस चलते रहेंगे। जैसे कि 9 देख रहे हैं आप, 9 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 9 18 27 36, ऐसे ही कंटिन्यूस चलते रहेंगे। देखिए एक और दिखाते हैं, जैसे 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 2 4 6 8 10, ऐसे ही चलते रहेगा, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। फैक्ट्स नंबर 5, सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन सा होगा? अगर हम किसी भी नंबर का मल्टीपल निकालते हैं, जैसे कि हम 3 का मल्टीपल निकालेंगे तो जो 3 होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट उसमें मल्टीपल होगा। 6 का निकालेंगे तो 6 इसमें स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा। 12 का निकालें तो इसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा वो 12 होगा, फिर 24 होगा, फिर 36 होगा, इस तरीके से। तो जो 12 है ये फैक्टर, ये हमारा मल्टीपल हो गया स्मॉलेस्ट। फिर फैक्ट नंबर 5 की बात करें कि जो मल्टीपल होते हैं वो इवन भी हो सकते हैं और ऑड भी हो सकते हैं।